भगवान हृषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, गोपियां कह रही हैं। भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा, श्वेतदीप तेरे चित्त की रक्षा, योगेश्वर तेरे मन की रक्षा करें। लाला का स्नान हुआ, पूतना के शरीर को जलाया गया, बड़ी अद्भुत सुगंध उसके शरीर से निकली। क्यों? बोले श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त करके वह निष्पाप हो गई, पवित्र हो गई, और भगवान ने उसको वो गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, जो बड़े बड़े साधना करने वालों को नहीं मिलती, वह उस राक्षसी को मिल गई। इसलिए हमारे संत कहते हैं, आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, ताहे दीनी सुगति अति कृपाल यादव राज। धन्य है अंधाधुंध राज्य है। बोले अरे जो गति यशोदा मैया को मिली वही राक्षसी को मिल गई, तो फर्क क्या रहा? पर भगवान का तो नियम है, जो मेरी शरण में आ जाए उसके लिए मैं अवश्य ही पाप मुक्त करके अपना धाम प्रदान कर देता हूं। अब लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लगभग जब 3 महीने के हो गए, एक दिन लाला ने अपने आप करवट बदली तो मैया देखकर खुशी से उछलने लगी। अरे लाला बड़ा हो गया, तो अंग परिवर्तन होता हुआ, खूब गोपी ग्वाल आए, खूब नाच गाना होने लगा, दिव्योत्सव मैया के आंगन में मनने लगा। उस समय मैया ने देखा लाला की आंखों में नींद भरी है, तो पालना चुपके से ले जाके एक सकट के नीचे, छकड़े के नीचे रख दिया। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आके सकट में बैठ गया, और वो लाला को उठा के उड़ना चाहता था, तब तक लाला ने उसका कल्याण कर दिया। छोटे से कन्हैया पाले में सोए थे, अभी इतने से हैं, 3 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है। अपना पैर ऊपर उठाया, छकड़े में ऐसी ठोकर लगाई, छकड़ा आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा, छकड़ा चूर हो गया, सब मटकियां फूट गई, असुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया को लगा छकड़ा कैसे पलट गया, मैया तो बड़ी डर गई। मैया ने ब्राह्मणों को बुलाकर शांति पाठ करवाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एकदारो हमारोड्यम लालयंति सुतम सते गरिमानम सुसहोर वोढुम नसे कूटवत। मैया लाला को थोड़ा उछाल रही थी, उछाल उछाल के खिला रही थी। लाला ने अपना इतना भार बढ़ाया कि मैया को लगा अरे इतना भारी कैसे हो गया, नसे हे गिरी कूटवत, ऐसा लग रहा बड़ी भारी सिला हो। सोचा बहुत दूध पी लिया लगता है, तो नीचे छोड़ दो, खेलेगा कूदेगा तो थोड़ा दूध हजम हो जाएगा, नीचे छोड़ दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष माध्याय जगता मास कर्म सु। मैया काम काज में लग गई, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया, उसका नाम है तृणावर्त। आपने देखा होगा गर्मियों में गोल गोल आंधी चलती है, बड़ी बवंडर के रूप में, वो चक्रवात के रूप में राक्षस आया, लाला को लेके उड़ गया। कन्हैया ने सोचा मैया उछाल रही थी तो थोड़ा ही उछाल पा रही थी, ये बहुत ऊपर तक ले जाएगा, खिलखिला के हंसने लगे कन्हैया। लेकिन जब वो मथुरा की ओर ले जाने लगा तो कन्हैया ने भार बढ़ाया, अब वो भार से दबने लग गया। अरे इतने से बच्चे में इतना भार कैसे हो सकता है, ये इतना भारी कैसे हो गया। तमस्मानम मन्यमानम आत्मानो गुरुत्तम, बड़ा भारी भार जब प्रभु ने बढ़ाया, सोच में पड़ गया राक्षस। कन्हैया ने गला पकड़ा, दबाया, गोविंदाय नमो नमः, और जैसे ही वो निष्प्राण होके गिरा सारा बवंडर शांत हो गया, धूल रुक गई, जो धूल उड़ रही थी। मैया भागी, लाला कहाँ गए, लाला कहाँ गया, लाला राक्षस के पास। मैया बहुत डर गई, ये राक्षस कहां से आ जाते। उसके बाद मैया ने एक दिन दूध पीते पीते लाला के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, और कन्हैया कहना चाहते हैं मैया तेरा दूध अकेला मैं नहीं पीता, देख मेरे अंदर कितना बड़ा ब्रह्मांड भरा है, ये सब तेरे दूध से तृप्त हो रहा है। लाला एक बरस के भय तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित जी श्री गर्गाचार्य जी को भेजा, जाकर के आप कृपा करके बालकों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे, और बड़े गुप्त रीति से गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ।
रोहिणी नंदन का नाम रखते हुए गर्गाचार्य जी बोले लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुण आख्यास्ते राम इति वलादिक्यात्वलम। ये रोहिणी का जो लाला है ना, ये बड़ा बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बल, सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए नाम होगा भद्र। लोग कोई बलभद्र कहेंगे, कोई बलराम कहेंगे। जय जयकार हुई है, बोले बलराम जी महाराज की। श्री कृष्ण का नामकरण किया है, बोले ये जो यशोदा नंदन है, ये तो प्रत्येक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, इस बार काला बन के आया है, तो इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। बोले कृष्ण का नहीं या लाल की। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जना। वेद भी इसके नामों को नहीं गा सकते, ये तो इनके अनेक अनेक नाम है। कृष्ण जिनका नाम है, हर गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ओ यशोदा जी की मैया है, नंद जी मैया है, यशोदा जी की मैया वाले बाल संग धेरु चराया।
राजन की प्यारी है, गोपी जिन परवारी है। ऐसे सुंदर श्याम को, ऐसे सुंदर श्याम को, ऐसे सुंदर श्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है मेरा बारंबार प्रणाम है, ओ बारंबार प्रणाम है मेरा बारंबार प्रणाम है, ओ ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ओ ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ओ बारंबार प्रणाम। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया, उसके बाद गर्गाचार्य जी तो वहां से विदा लिए, और लाला अब धीरे धीरे साल भर से थोड़े और बड़े हुए। अब तो घुटुन घुटुन चलते थे, तो अब तो बिना घुटनों के सहारे के ही चलने लग गए, दीवाल का सहारा लेके खड़े हो जाते। और मणि में जो दीवाले हैं उनमें लाला का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो सोचते हैं, अरे जे मेरे जैसा दूसरा लाला कहां से आ गया, ये मेरे जैसा ही कहां से आ गया। अपने ही प्रतिबिंब को देख करके उसी के साथ खेलने लग जाते हैं। और भगवान का ही प्रतिबिंब हम सब हैं, है? आखिर हम सब उसी के अंश तो हैं। ईश्वर अंश जीवो अविनाशी, ईश्वर अंश जीव सोदा मैया ने क्या देखा कि लाला अपने घर में माखन चुरा रहे हैं। छोटे से कन्हैया है, माखन की मटकी के पास गए और धीरे से कोई देख ना ले माखन निकाला और पाने लग गए। मैया ने देख लिया, क्यों कन्हैया कहा है रहो है? कन्हैया बोले, मैया कुछ, अरे कुछ तो यहां क्या कर रहे हो? तो कन्हैया मीठी मीठी बातें बनाते हैं, बलगु वाक्या मधुर आगेरा, बोलने में बड़े निपुण है। मैया कहा बताऊं, देख ये बालक जाने कौन है, यो यहां घुसायो और माखन खा रहा हो। किसको दिखा रहे हैं? अपने ही प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। मैया बोली, अच्छा अच्छा लाला ये बता, जब तू उस बालक को भगाने के लिए रोकने के लिए आया तो तेरे हाथ में कैसे माखन लग गया? अरे मैया क्या है कि तूने ये जो कंगन पहना रखे है ना, ये मणियों के कंगन जलते हैं, मेरा हाथ जलता है, तो हाथ जल रहा था तो मैंने माखन की मटकी में डाल दिया, दही की मटकी में डाल दिया ताकि ठंडा हो जाए। अरे वाह लाला, बहुत अच्छा किया। अच्छा लाला ये बता, पर तेरे मुख में माखन कैसे लगो, मुख में कैसे लग गया? अब कन्हैया ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गई, पकड़े जाएंगे। पर कन्हैया बोले, मैया बात ऐसी है, एक चींटी आई और चलते चलते चींटी मेरे मुख के पास ही आ गई, और मैंने वो माखन भरे हाथ से चींटी को हटाई तो मेरे मुख में भी माखन लग गया। मैया हंस के बोली, लाला ये बता, दूध दही खाने की कोई मनाही है क्या? अरे जितना मर्जी खाओ, पर ऐसी बातें क्यों बनाता है? पर कन्हैया को तो चोरी का खाने में ही आनंद आता है, चोरी का कुछ ज्यादा मीठा लगता है। आप लोगों को, पुराने लोगों को अनुभव होगा, अब आजकल तो सुविधा नहीं है, पहले किसी का अमरूद का बगीचा हो है, अब अमरूद खरीद के भी खाए जा सकते हैं, खाते ही लोग, तो खरीद के खाते हैं, उनमें तो स्वाद आता ही है, पर चुरा के बगीचे से जाके लोग खाते हैं उसमें कुछ ज्यादा आनंद आता है। अब वो चोरी तो नहीं करना चाहिए, पर अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी चोरी ना करी हो?
है, शायद दुनिया में मिलेगा नहीं। अच्छा एक कहानी आपको सुनावे, कथा तो भगवान की आनंद लेते हुए चली रहे। हमारे गुरुजी एक दिन सुना रहे थे, मरुकपीठ वाले महाराज जी, तो सुनाए, बोले भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, और चुराना तो एक बहाना है, भक्तों को आनंद लुटाते हैं, भक्तों को प्रेम देने के लिए लीला करते हैं। तो वो उस बात पर से चोरी की बात चली, तो वो बोले कि ये बताओ ऐसा कोई है जिसने ना चुरा, बचपन में अपने अपने घरों में थोड़ा ना थोड़ा कुछ चुरा के लोग खाते थे, हम लोग भी छोटे थे कुछ नहीं तो शक्कर ही चुरा के खा जाए, है दूध के ऊपर की मलाई है। तो गुरुजी एक बात सुना रहे, बोले कहीं दो चोर थे, बड़े सातर चोर थे, जगह जगह चोरी करते, बड़ा चोरी में उनका नाम था। एक बार पकड़े गए, राजा के दरबार में ले गए, राजा के दरबार में जैसे उनको प्रस्तुत किया तो उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली। आखिर स्पष्ट था कि इन्होंने चोरी की है, नाम तो था ही। राजा ने कहा इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए, हमारे राज्य में ऐसे चोर नहीं रहेंगे, उनको मृत्युदंड दिया। मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वो चोर बोला कि भाई अंतिम इच्छा तो थी मगर अब क्या बताएं, पूरी नहीं हो सकती। क्या? बोले मेरे पास एक ऐसी कला है कि वो किसी के पास नहीं है, मैं चाह रहा था किसी को दे दूं, चोर बोला, पर अब कैसे दे पाऊंगा। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी, क्या है? बोले मैं सोने की खेती करना जानता हूं, सोना बोऊंगा उसमें सोने की फसल होगी और सोना निकलेगा। राजा ने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ मैं करके दिखा सकता हूं, मरना तो है ही, एक बार करवा लीजिए। राजा ने भी सोचा कि भाई करके दिखाओ, तो सोने के दाने बनाए गए जैसे बीज होता है। गुरुजी से सुनी हमने, अब कहां लिखी गुरुजी जाने। बोले उस राजा ने सोने के दाने बनवाए बीज जैसे और बोया गया, तो वो उगना क्या, अब सोना क्या उगेगा? कुछ नहीं उगा। बोले उगा ने, हम बोने के लिए जैसे ही शुरुआत की तो बोले इसको वो व्यक्ति बोएगा जिसने जीवन में कभी चोरी ना की हो। मैं तो बो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो चोर हूं, तो इसको वो बोएगा जिसने जीवन में कभी कोई चोरी ना की हो, क्योंकि चोरी करने वाला बोएगा तो ये उगेगा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति लाओ कोई। सबसे पूछा, सब बोले भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा। राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा कि भाई आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मज्ञ हैं, तो आप ही इसको बोने का काम करिए। पुरोहित जी बोले कि भैया हम तो इस काम से दूर रहेंगे। पुरोहित जी को लगा कि कहीं गड़बड़ हो गई, ना उगे तो नाम हमारे ऊपर आएगा कि पुरोहित जी भी चोर हैं, इनने भी कुछ गड़बड़ की होगी, तब तो नहीं होगा। सबने राजा से कहा कि आप धर्मात्मा हैं, आप न्याय की गद्दी पे बैठने वाले, आपने तो कभी कोई चोरी की नहीं होगी, इसलिए आप ही इसको बो दीजिए। अब राजा को डर लगा कि कहीं नहीं होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि राजा चोर है। बोले हम नहीं बोएंगे। चोर बोला सरकार इतने बड़े राज्य में आपके सहित एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा जिसने कोई चोरी ना की हो, और किसी को कोई दंड नहीं है तो मुझे को क्यों मृत्यु दंड दिया जा रहा है, मुझे छोड़ दिया जाए। राजा खूब हंसा के बड़ी अच्छी युक्ति लगाई और बच गए, पर उसको वहां से मृत्यु दंड उसका हटा दिया। राजा ने कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो, चोरी छोड़ करके हमारे सेना में आ जाओ, यहां मंत्री के रूप में काम करो। पर वो राजा का मंत्री बन गया। तो कहने का मतलब है कि चोरी तो सब करते पर चोरी किसकी करे, भैया पराए धन की चोरी ना करें। ये छोटी मोटी बातें जो घर में होती है तो हमारे घर आनंद के लिए बचपन में सब करते, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना महाराज जी कह रहे थे सब चोर है हम भी चोरी करें। अरे चोरी का भाव आए तो कन्हैया से प्रार्थना करो, मेरे लाला कन्हैया अब की ऐसी कृपा करना कि जब तुम द्वापर में कृष्ण बनकर प्रकट हो तो हमें भी अपना कोई ग्वाल वाल बना लेना, हम भी तुम्हारे साथ चोरी की लीला का आनंद लेंगे। बड़ी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला कन्हैया की होती है। एक दिन दोनों कृष्ण बलराम अपने घर से बाहर निकले तो जाके एक नंदी के साथ खेलने लगे। अब वो नंदी जो है उसके बड़े बड़े सींग थे, उसको देखने लगे भाई इसके कान, इसके सींग
कन्हैया ने उसके नथुले जो होते उनमें उंगली डाली, ये क्या है? दाऊ भैया बोले, भैया देखो मत क्या है ये, तो अब वो सब बातें चीतें करने लगे। तब तक पीछे से मैया आई, कहां गए लाला कहां गए? इतने बड़े नंदी के पास मैया देखकर डर गई, कहीं ऐसा ना हो कुछ सिंह की चोट लग जाए। तो मैया हाथ में लाठी लेकर आई, और मैया को लाठी लाते देख करके नंदी डरे। दोनों लालाओं ने सिंह पकड़ रखे थे, नंदी उठ के खड़े हो गए तो सिंह पे दोनों लाला लटक गए। अब आगे आगे नंदी, पीछे पीछे मैया, लटके दोनों लाला। अरे लाला ये क्या किया तूने, अरे लाला चोट लग जाएगी। और नंदी जी धीरे धीरे चल रहे, कहीं ऐसा ना हो लाला गिर जाए, कैसे नीचे उतारूं? तो एक गोबर का ढेर लगा था, गाय के गोबर का ढेर लगा हुआ था, उसी पे लेकर गए। और नंदी जी ने मस्तक नीचे किया और दोनों लाल जी गोबर में ही वहीं पहुंच गए, पूरा शरीर गोबर में सन गया। और आज लाला बड़े प्रसन्न भए, क्योंकि जब गाय का गोमूत्र गोबर कन्हैया को मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज मुझे गोमूत्र गोबर से स्नान का सौभाग्य मिल गया। मैया बोली, लाला मैं तेरा इतना बढ़िया श्रृंगार करूं और सब धूल मिट्टी में गोबर में कर लेता है, तू क्या पिछले जन्म में सुअर था क्या? दाऊ भैया को देख के मुस्कुराए, लगता है मैया समझ रही है मैं एक बार सुकर भी बन चुका। बामन पर सोराम बपोधर है, 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 बामन पर सोराम माने कछुआ, कभी सूकर कभी नरी, कितने रूप भगवान ले चुके हैं और भगवान उन रूपों को याद कर रहे हैं। बड़ी मधुर लीला मैया के साथ लाला की हो रही है। अब लाला और थोड़े से बड़े हो गए तो ग्वाल वालों की टोली बना ली, नाम रख लिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, फिर उस गोपी के घर में, अलग अलग गोपियों के घर में चुरा चुरा के माखन खाते हैं। गोपियां शिकायत लेके आती हैं, मैया तेरे लाला ने बहुत उधम कियो, हमारे घरों से माखन चुराता है, हमारे बालकों को जगा देता है, हमारे बछड़े छोड़ देता है। तरह तरह से मैया से गोपियां शिकायत करती हैं। बत्सान मुंचन क्वचत समय क्रोध संजा मर कान भजति साचे नाति भांडम विनाति द्रव्याला वे सुग्रह कुपितो यासि गोपियां झुंड बना के आती है, बड़े सवेरे नंद बाबा के दरवाजे आ जाती है, आवाज लगाती है, मैया अरे ओ मैया। यशोदा जी कहती है, इन गोपियों को पता नहीं क्या हो गया, मेरे लाला के पीछे ही पड़ी रहती है, सवेरे सवेरे शिकायत लेके आ जाती है, क्या हुआ? अरे मैया समझाओ अपने कन्हैया को, जानती हो हमारे घरों में कितना उपद्रव कर रखा है, हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अरे ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा, मेरे लाला ने क्या किया? मैया तुम्हारा लाला हमारा माखन चुराता है, तुम्हारा लाला हमारी मटकियां फोड़ देता है, तुम्हारा लाला सोए हुए बच्चों को जगा देता है,
तुम्हारा लाला हमारे बछड़े खोल के भाग जाता है, बछड़े दूध पी जाते हैं। और सच मानिए गोपियां जो ये शिकायत लेके आती हैं, उलाहना देती हैं, ये तो एक बहाना है। बाकी गोपियों के अंदर प्रेम रस धारा बह रही है, कन्हैया को दर्शन करने की लालसा जाग रही है। अब दर्शन का कोई तो बहाना चाहिए, कैसे सवेरे से दर्शन करने चली जाए? तो बहाना लेकर के कोई गोपी जो है दही की मटकी लेकर, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई दही ले लो, नंद जी के द्वार पे पहुंच जाती है। और कोई दूध दही मांगने के बहाने पहुंच जाती है, कोई शिकायत करने के बहाने पहुंच जाती है। ये सब तमाम तरह के बहाने लेकर गोपियां जाती हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? लाला का दर्शन करना, कन्हैया का दर्शन करके आनंदित होना। इतनी बाबरी हो गई है गोपियां कि दूध दही बेचने जाती हैं तो मटकी सर पे रखी है, बोल रही है अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई माखन ले लो। और इतना मोहन में मन लगा है कि ये भूल जाती है माखन ले लो, और क्या बोलने लगती है, अरे कोई मोहन ले लो, अरे कोई कन्हैया ले लो। दूसरी सखी पूछती, अरे बाबरी तू कन्हैया को बेचने चली, कन्हैया को बेच रही है? पर भैया बिक जाते हैं भगवान भी यदि कोई मोल लगाने वाला हो तो। है ठाकुर जी तो प्रेम के अधीन है ना। मीरा जी कहती हैं, मैंने लीनो 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 गोविंदा मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल, मैंने लीनो गोविंदा मोल ने, मैंने लियो रे गोविंदा। Oh,
वो गिरधर नागर। खरीदने वाला तो हो, गोपियां दही बेचते हुए माखन बेचते हुए कहती हैं, अरे कोई गोविंद ले लो, अरे कोई मोहन ले लो। बहुत सुंदर सखाओं के साथ में माखन चोरी की लीला। मैया यशोदा सोचती है कि घर का माखन नहीं खाता, चुरा चुरा के खाता है। तो मैया यशोदा एक दिन अपने घर में स्वयं ही दधि मंथन करने लगी। यद्यपि यशोदा जी जो है इनके घर में हजारों सैकड़ों दास दासियां हैं, क्योंकि नंदराय जी राजा हैं। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिसके घर में 9 लाख गाय हो, तो 9 लाख गायों को संभालने कितने लोग चाहिए। हम तो 20-25-50 गैया की गौशाला खोल रहे हैं, तो 4-6 गौ सेवक लाने पड़ रहे हैं। उसमें भी लग रहा है कि सेवा ठीक से कर पाएंगे कि नहीं है। तो 4 से 10 गायों को, 25 गायों को संभालना कठिन लगता है, और वहां 9 लाख गैया। हम लोग भजन में गाते हैं ना, 9 लख गऊए नंद बाबा के नितनव माखन होए। तो 9 लाख गायों को संभालने कितने गौ सेवक रहते होंगे साफ सफाई के लिए है? तो इतने दास दासियां हैं, लेकिन ये यशोदा जी अपने लाला के लिए दधि मंथन स्वयं कर रही है, नौकरों के भरोसे नहीं। भगवान की सेवा खुद करो, नौकरों के भरोसे मत छोड़ो। लोग जब ज्यादा संपन्न हो जाते हैं तो भगवान की पूजा के लिए भी नौकर लगा देते हैं। मंदिर तो घर में बढ़िया बना दिया ताकि कोई आए तो कहे कि अरे बड़े भगत है भाई, क्या सुंदर मंदिर है, पर सेवा कौन करे। ठाकुर जी तो गए वृंदावन सबका देखा देखी, हम भी ले आए। अब बढ़िया जो है ठाकुर जी ले आए, पोशाक ले आए, ये ले आए, वो ले आए, वो तो दिखाने के लिए सब कर लिया, पर नाटक करने में और सेवा करने में अंतर है कि नहीं। अब सेवा चाहिए, सवेरे जल्दी जगो, ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी को बाल भोग लगाओ, ठाकुर जी को राजभोग हो, उत्थापन हो, आरती हो, शयन हो, ये सब सब होना चाहिए, ऋतु के अनुसार होना चाहिए। तो अब सेवा नहीं हो तो बोले नौकर लगा लो। ठाकुर जी के बर्तन मनिया नौकर करे, तुलसी पुष्प आदि नौकर लेके आए, चंदन नौकर घिसे, भोग ठाकुर जी का नौकर बनाए, तो सेवा भाई। सेवा हाथ से होती है, स्वयं से होती है। इसलिए भगवान की सेवा घर में जब भी करो अपने आप करो, कोई कैसा करेगा। अम्बरीश जी की कथा हम लोगों ने सुनी, संक्षिप्त तो सुनी, कई बार हम लोग कथाओं में सुने हैं। अम्बरीश जी इतने बड़े राजा थे कि पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, केवल जम्बू द्वीप के नहीं, सातों द्वीप के एक छत्र सम्राट महाराज अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महिम, 7 द्वीपति पृथ्वी के राजा, लेकिन स्वयं ठाकुर जी का चंदन घिसते हैं, स्वयं मंदिर में पोछा लगाते हैं, स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए माला बनाते हैं, ठाकुर जी की पोशाक तैयार करते हैं, और तो और भोजन खुद बनाते हैं भगवान को भोग लगाने। आटा भी पीसते हैं तो खुद चक्की चला के पीसते हैं, पता नहीं कोई कैसा पीसेगा, अशुद्ध कर देगा। सबई मनः कृष्ण पदार
गोविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जिना दिसो। हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई करते हैं तो भैया घर में ठाकुर जी विराजमान किए हो जितना अधिक हो सके अपने हाथों सेवा करो, अपने से ठाकुर जी को सुलाना, अपने से जगाना, अपने से उनका भोग राग जितना हो सके अपने हाथों सेवा करिए। यशोदा मैया स्वयं दधि मंथन करने लगी, सब दासी दासों को दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया और कितने प्रेम में दही मथ रही है यशोदा मैया, जरा ध्यान देना उस पूरी घटना पर। इतने प्रेम में यशोदा जी भरी है कि मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है, श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं उनको गा रही है, हृदय में प्रेम भरा हुआ है और हाथ में दही मंथन की सेवा हो रही है। तो हाथों से भी सेवा हो रही है माने शरीर से भी सेवा हो रही है, मन में भी वही प्रेम है और वाणी में भी उसी का नाम है। यानी यानी है कि तदोबाल चरता दधि निर्मंतने काले स्मरण गायत। बड़े आनंद से गीत गाती भई लाला के मंथन कर रही थी। कन्हैया जाग गए, सवेरे का समय था, सो के उठे, भूख लगी है, साधन इतनी तन्मयता के साथ करें कि साध आने पर विवश हो जाए। कन्हैया बोले भूख लगी है, मैया बोली ताजा माखन निकलेगा तो पालेना, बोले नहीं मुझे तो जोर की भूख लगी। तो मैया ने अपना दूध पिलाना प्रारंभ किया, लाला मैया का दूध पी रहे थे, तभी मैया को इशारा किया कि देख मैया तेरा दूध चूल्हे पे रखा हुआ दूध निकल निकल के अग्नि में गिर रहा है। कन्हैया बोले अच्छा मैया ये बता तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है। मैया बोली ये क्या पूछ रहा है, मुझे तो तू ज्यादा प्यारा है, पर ध्यान उधर गया कन्हैया की उंगली पूत और दूध, अरे बोले सारा दूध चूल्हे में गिरा जा रहा है। मैया कन्हैया को छोड़ी दूध उतारने के लिए भागी। कन्हैया ने कहा अच्छा कह रहा है, कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, बचाने जा रहे हैं दूध को। ऐसी लाठी लेके गए, मैया जहां दूध दही माखन के मटके रखती थी सब तोड़ दिए, दूध बिखर गया, दही बिखर गया, माखन फैल गया, माखन के लौंदे उठा उठा के बंदरों को लुटाने लगे और बंदर आकर के खूब माखन पा रहे। अब सोचते होंगे राम रूप में मैं जब था तो मैं कुछ खिला नहीं पाया, मैं बनवासी था, ये बंदरों ने बहुत सेवा करी, अब तो मैं नंदराज जी का छोरा हूं, खूब माखन लुटाऊंगा, तो खूब माखन लुटा रहे हैं। उगल पे खड़े होके यशोदा जी ने देखा, अरे मेरी सारी मटकियां तोड़ दी। यशोदा जी पीछे पीछे भागी, आगे आगे कन्हैया खूब भागे। आखिर देखा मैया बहुत ज्यादा थक गई है तो बंधन स्वीकार कर लिया। मैया कमर में रस्सी बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई, पर प्रभु ने बंधन स्वीकार किया और कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया। उखल समझते हैं आप लोग, पहले जिसमें धान कूटी जाती थी, रस्सी कमर में बंधी है लाला के, उधर उखल में बंधी है और कन्हैया उखल से बंधे बंधे मैया छोड़ दे, गुहार लगा रहे हैं। मैया कामकाज में लग गई, कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े तो वो उखल खींचने लग गया। उखल को खींचते भाई आंगन में पहुंचे, दो वृक्षों के बीच में उखल अटक गया और झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे, शब्द नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य शक्ति से शब्द रोक दिया, उसमें से दो पुरुष निकले और ठाकुर जी की बड़ी प्यारी स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। ये दोनों कुबेर के बेटे थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे, श्री कृष्ण ने इनको श्राप मुक्त करके परम धाम भेज दिया। नंद बाबा ने वृक्ष गिरे हुए देखे और बीच में कन्हैया बंधे हुए हैं रस्सी से, नंद बाबा को बड़ा भय लगा कि कहीं ये वृक्ष लाला के ऊपर गिर गए होते तो क्या होता।
नंद बाबा बड़े दुखी हो गए, अरे यशोदा तूने बहुत बुरा किया, लाला को बांध दिया। अब तो नंद बाबा कन्हैया के बंधन खोल के अपने साथ लेके और दूर चले गए। अब घर में मत आना, घर में तो यशोदा का राज्य है। लाला अब तू जो है मेरे साथ रहना, मैं तुझे लेके तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। नंद जी बड़े भाव से भरे। लाला रोने लगे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, किसी ग्वाले के घर से दूध मंगवाया, अधोटा दूध। कन्हैया बोले ये दूध नहीं पीना, मुझे तो अपनी मैया का दूध पीना है, क्योंकि मैया भी तो वहां रो रही है, मैया को भी तो बड़ी चिंता लगी है, मैंने क्यों बांध दिया, ऐसा मैंने क्यों किया, पछता रही है। लाला पहुंच गए, मैया प्रसन्न हो गई। नंद बाबा बोले भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? बोले जब से लाला जन्म लिया है कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है, कभी झगड़ा पलट गया, कभी राक्षसी आ गई, कभी कोई कुछ राक्षस आ गया, अब हम यहां नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे जहां हमारा लाला सुरक्षित रहे। कहां चले? सब संगोष्ठी हुई तो उसमें नंद बाबा के बड़े भैया उपनंद जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, हमारे ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, आप लोगों ने ब्रज के सारे वन देखे? सब नहीं देखे होंगे। निधि वन, मधुवन, ये तो यही है। निधि वन आदि का तो दर्शन आप लोग यहाँ करते ही हैं, पर मधुवन, ताल वन, भांडीर वन, बहुत सारे वन हैं, काम वन, तो वृंदावन में अनेक वन हैं, पर सबसे सुंदर, सबसे अच्छा वन कौन सा है? अच्छा, आपको सब वनों का दर्शन करना हो, वृंदावन में वन, उपवन, कूप, सरोवर, ये कुंड खूब हैं, कुंड बहुत सारे हैं, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, उद्धव कुंड, और सरोवर खूब हैं, कुसुम सरोवर, ललिता सरोवर, ये सरोवर खूब सरोवर हैं। तो कुंड, सरोवर, वन, उपवन, ये बहुत है ब्रज में, इनकी बड़ी महिमा है। अभी हम लोग कार्तिक के महीने में 84 कोस यात्रा निकालेंगे, क्योंकि अभी तो भीषण गर्मी है, ऐसी गर्मी के समय में तो यात्रा करवाएं तो कोई जा नहीं सकेगा। तो कार्तिक के समय में मौसम अनुकूल रहता है, उस अनुकूल मौसम में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंडियां शुरू होती है, गर्मी खत्म हो जाती है, ठंडी उस समय लगभग थोड़ी थोड़ी शुरुआत होती है, तो कोई खास ठंडी भी नहीं होती है। और कार्तिक के महीने का महत्व भी विशेष है। कार्तिक में यमुना जी में दीपदान करना, कार्तिक में ब्रजमंडल में आकर के तुलसी महारानी की सेवा करना, क्योंकि तुलसी के वन का नाम ही वृंदावन है। वृंदावन का मतलब वृंदा माने किसका नाम है? वृंदा तुलसी जी का। तो तुलसी का वन ही वृंदावन है। कार्तिक में तुलसी पूजा की विशेष महिमा है, दीपदान की विशेष महिमा है, तो हो सके तो आप प्रत्येक कार्तिक मास में वृंदावन अवश्य आया करें। और कार्तिक में तो अवश्य यमुना जी में दीपदान करना, तुलसी जी की सेवा करना, अपने घर में भी तुलसी सेवा करिए, कार्तिक स्नान करिए, और ब्रज में आ सके तो बहुत अच्छा है, ब्रज रज मस्तक से लगे। तो वृंद माने तुलसी भी और वृंद माने भक्त वृंद भी, वृंदानाम भक्त समूहानाम वनमिति वृंदावनम, जो नित्य भक्त वृंदों का वन है वह वृंदावन है। इस पावन वृंदावन में वही आते हैं जिनको श्री जी कृपा करके बुलाती हैं, राधा रानी जिन पे कृपा करती हैं वही यहाँ आ पाते हैं। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो निश्चित ही अपने को बड़ा भाग्यशाली मानिए कि श्री राधा रानी ने हम पर कृपा करके हमें वृंदावन बुलाया है। कार्तिक के महीने में 84 कोस यात्रा होगी वाहनों के द्वारा, उस समय तुलसी शालिग्राम जी के विवाह का उत्सव भी हम लोग प्रतिवर्ष जो मनाते हैं धूमधाम से होगा, और उस समय ही जो है एकादशी उद्यापन भी यहाँ पर देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में होगा। तो जिन लोगों को एकादशी का उद्यापन करना है, अभी भी कई लोगों का आग्रह है कि महाराज जी हम ज्येष्ठ के महीने में हम लोगों का जो लक्ष्मीनारायण यज्ञ होने वाला है इसकी समाप्ति गंगा दशहरे को होनी है, उसके एक दिन बाद ही एकादशी है, तो बहुत लोगों का आग्रह महाराज जी इसमें भी हम लोग एकादशी उद्यापन कराना चाहते हैं, तो 2-3 परिवार आ रहे हैं, तो इसमें भी आप चाहें तो एकादशी उद्यापन अपना कर सकते हैं। ज्येष्ठ का महीना बड़ा महीना कहा जाता है, बाकी कार्तिक में विशेष रूप से एकादशी उद्यापन की महिमा और महत्व शास्त्रों में वर्णित है, कार्तिक में होना चाहिए।
तो ज्यादा अच्छा तो है कार्तिक में कराइए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। वहां से एकादशी प्रारंभ होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी में एकादशियां पूर्ण होती हैं। तो उद्यापन तो वही होना चाहिए जहां पूर्ण है, पर यदि उस समय सुविधा नहीं है कभी ऐसा कोई वो बने तो बीच में भी आप कोई अच्छा अवसर दे के कर सकते हैं। तो अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ के समापन के बाद यहाँ कुछ लोग उद्यापन के लिए आ रहे हैं, तो आप भी चाहें तो करा सकते हैं। अब तो यहाँ गौ माता भी विराजमान रहेंगी, गैया की सेवा गौ पूजा भी आप कर सकते हैं और गौ सेवा के कार्यों से भी आप जुड़ सकते हैं।